हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें मैंने आचार्य नागार्जुन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस बुक रो यूनिट 1 टा पढ़ीबा को जाऊ छे। सो आउ लेट न करी चालन तो क्लास स्टार्ट करिबा। मो विषय को जिबा पूर्वरु आपण मानन को कहि देबा को चाहिबे, जो माने भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी माने जोटा अच्छे प्रस्पेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट बुक हमर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो क्लासेस देखिया को चाहूँगी, से माने मो यूट्यूब चैनल रे फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी ना रे गोटे फोल्डर अच्छी से देखिपारे। आदि आपड़ PDF नोट्स गुड़ाक पाइबाक चाहूँगी ताहले आपण नोट्स गुड़िकपरेंगे। प्रत्येक नोट्स आपण को 99 रुपीज पड़ो। आदि आपण पांचटा जाक पेपर रो नोट्स नौले सेटा आपन को 389 रुपीज पड़ो। ठीक अच्छे, एतिक इनफर्मेसन मुझक दे सारापर एवं भिडटा स्टार्ट करुचे। हाँ, मनरे जदि क्वेश्चन आसता है जे आम कौ नंबर रे नोट्सटा बाय करें, नंबरसटा आपंकर थंबनेल रे भी आवेलेबल अच्छी, आई भिडियो भी मुझे आवेलेबल करो। स्टार्ट करवा मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस कौन आपण मैंने तो जानते, डे टू डे लाइफ आमर साइंस बिना असंभव प्राय। तो साइंस विषय आम समस्त किसी ना कि मोर ओवर आम आइडिया अच्छी, तथापि आम साइंस विषय डिस्क्रिप्टिवली चैप्टर रे डिस्कस करिबा। साइंस रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इट इज द इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स इन द नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विदिन आवर बॉडी। साइंस माने कौन? साइंस होची नॉलेज एक्वायर करिवार गोटे सिस्टम। फर्स्ट है विभिन्न प्रकार नॉलेज, एमती ना जे साइंस पढ़ा माने केवल तुम्हें जंत्रपाति विषय नॉलेज पाइब कि केवल गोटे पर्टिकुलर आस्पेक्ट उपर नॉलेज पाइब। जदि जड़े साइंस पढ़ू से सब प्रकार नॉलेज पाइब, माने से ह्यूमन एनाटॉमी पढ़िबो, मनुष्य बॉडी भितर कौन चली विषय भी नॉलेज पाइब, परिवेश रे कौन संगठित हो विषय भी नॉलेज पाइब, विभिन्न प्रकार मशीनरी विषय भी नॉलेज पाइब। सब टॉपिक उपरे साइंस आमको कौन करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। कौन सी गोटे जिनस को इन्वेस्टिगेट करवा माने से जिनस विषय तर्जमा करवा, से जिनस विषय विशद ज्ञान आहरण करवा, ए सब कर साइंस आमको साहय करता है। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मीन्स टू नो। हेला साइंस गोटे लैटिन वर्ड रु आसी जो वर्डटा है साइंटिया, जार अर्थ हो जानवा टू नो है। देन आसला पॉइंट देखा, इन अदर वर्ड्स साइंस इज द कंक्रीट ह्यूमन एफर्ट टू अंडरस्टैंड बेटर द हिस्ट्री ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स विथ ऑब्जर्वेबल फिजिकल एविडेंस एज द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग। ठीक अच्छे, साइंस कौन करे? अपर पक्ष रे साइंस कौन करे ना आमको साहय करे जानवे जे आमर ये नेचुरल वर्ल्ड जहाँ भी अच्छी तार हिस्ट्री कौन, से कौठ सृष्टि है। माने जिराफ जदि एत डेगा हो जाए जो आम मेरु अंचल भालू जदि एमती ह्वैट कलर हो जंगल रोकवा, भालू जदि ब्लाक कलर रही, बाघ जदि एम पटापटा रंग हो, आम मनुष्य मैंने आम पूर्वपुरुष जो मैंने बानर से जदि लांज थिला आउ आम मान लांज ना, ये सब बिवर्तन होमती आर हिस्ट्री जानवे आमको साइंस साहय कै। तांग को केमी ये नेचुरल वर्ल्ड टा वर्क करुच्छे, माने केमी आमर ये जगतटा वर्क करुच्छे, केमी आम एयर को यूज करुचे, केमी आम वाटर को यूज करुचे, केमी आम ट्रीज गुड़ाक यूज करुचे, से निज भितर कम्बेसन कौन कौन पाई कि एयर रवश्यकता रही, कौन पर वाटर रवश्यकता रही, जीव जगत बंची रही नेचर आवश्यकता कौन रही, ये सब जिनस जानवे आमको किए साय कै साइंस साय कै। तक विथ ऑब्जर्वेबल फिजिकल एविडेंस एज द बेसिस ऑफ दैट इज अंडरस्टैंडिंग है। साइंस आमको ये सब जिनस कै। तापर देखिबा साइंस रो गोटे ये देखिबा परीक्षा खातर जदि ए क्वेश्चन टा आसे ताले ये आंसर देबे। मु बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसुची वीडियो, सो दैट आपण मानको किछ असुविधा हबनी, आराम से आपण माने कौन करिपरिबे ना माने सेथिरु अभ्यास करिपरिबे। किंतु वर्तमान जेतु बहुत सारा फर्स्ट माने जो माने सबो फोर्थ सेमेस्टर दे से माने बहुत सारा पिला अच्छा जो माने फर्स्ट सेमेस्टर ड्रॉप करते आ समस्ते वर्तमान OTT एग्जाम दवापाई कि जेहेतु व्यस्त अच्छा, तो से माने
ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କି ରିଲାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଣୁନାହିଁ। ବାକି ୱାନ୍ସ ଓଟିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଡନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ କାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ନା ଅବଜରଭେସନ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, TION ହେଟା ହେଲା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଇନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି। ସାଇନ୍ସରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏସବୁ ବିନା ସାଇନ୍ସ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ ହାଜ୍ ଭିୟୁଡ୍ ବାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିପୁଲ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସାଇନ୍ସ କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଲେମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସାଇନ୍ସକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରେ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କଲେକ୍ଟ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆସିଲା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମେଥଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍। ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ବା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁକି କିଛି ଉପାୟ ଫାଷ୍ଟ ନିଗମନ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫିଲୋସଫର୍ସ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଙ୍ଗ ଦ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଲେଜ୍। ଫିଲୋସଫର୍ ବା ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଗଛକୁ ଜୀବିତ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା, ଗଛ ତ ସ୍ଥାଣୁ ସେ ତ ଚାଲାବୁଲା କରୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବିତ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତା'ର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଯେ ଗଛରେ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଉଛି, ଗଛରେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ହୋଇକି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଗଛ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଗଛର ସିନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବାକି ଲୋକୋମୋସନ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ଲିଭିଙ୍ଗ ବିଙ୍ଗ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଟ୍, କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍, ଏ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଅର୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅର୍ ମେଥଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରସୁଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଉପରେ ପଢ଼ିକି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଏମିତି କଭର୍ କରିକି ଲେଖିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ପଢ଼ିବାରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେଚର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ୱେର୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେଲା। ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ନଲେଜ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବୋଥ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍, ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛ ତୁମେ ଉତ୍ପାଦ ହେଲା। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାଇନ୍ସଟା କେବେ ତୁମକୁ ଆବୁରୁ ତାବୁରୁ ଏଠୁ ଖଣ୍ଡେ ସେଠୁ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ାଇବନି, ସାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଥିବ। ସାଇନ୍ସ ଆଡପ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍, ରିଲାଏବଲ୍, ଅନ୍ବାଏସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍ ଫଲୋ କରେ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଲା। ସେଇଟା କେବେ ବି ମାନେ ଏଇ ଏମିତି ହେବନି ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍ଟା ନନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରିଲାଏବଲ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ତୁମେ ଭରସା କରିପାରିବ, ସେଇଟା ଅନ୍ବାଏସ୍ଡ ମାନେ ସେଇଟା ପକ୍ଷପାତି ହେଇନଥିବ ଆଉ ସେଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍। ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ତା'ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଉ ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍। ସାଇନ୍ସରେ ବୋଥ୍ ଲଜିକ୍ ତର୍କ ବି ଥାଏ, ଇମାଜିନେସନ୍ ବି ଥାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇମାଜିନ୍ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ତର୍କ ସବୁ ଲଗେଇକି, ନିଜର ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଲଗେଇକି ସେ ଜିନିଷ ଇନଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଜନ୍ ବେୟର୍ଡ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ଟିଭି, ସେମିତି ରେଡ଼ିଓ ବାହାର କରିଥିଲେ ମାର୍କୋନି, ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଲେଖ, ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ଏଭିଡେନ୍ସ ଖୋଜେ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରମାଣରେ ସାଇନ୍ସ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି। ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଡେଭଲପ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆମଙ୍ଗ ପିପିଲ୍। ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର, ସାଇନ୍ସ ହିଁ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରେ। ଏବେ ଦେଖ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟଫଲ୍ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ, ସେଥିରେ ସାଇନ୍ସ ହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନା ଯେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲା ଯେ ଏ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ଟା ଏତିକି ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ, ଏତିକି ଜିନିଷଟା ଏତିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗରୁ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗେଇକି ସବୁ ସେଟାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ସାଇନ୍ସ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ଅର୍ ସାଇନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସାଇନ୍ସ କେବେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା କାଲିକି ସେଇଟା ବଦଳିବ, କାଲିକି ମାନେ ମାନେ ଗତକାଲି ଗତକାଲି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାଲିର ଡେଟ୍ ହିଁ ମନେ ପକାଇବେ, ଗତକାଲି ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ ନୋକିଆ ଫୋନ୍ ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫୋନ୍ ଥିଲା, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼, ସେମିତି କାଲି ତୁମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ପକ୍କା ଘର ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଘରର କବାଟ କାଠରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କାଚରେ ପ୍ଲାଏରେ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ମଣିଷ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚି ହେଉଥିଲା, ଦେନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲା, ଏବେ ଏସି ଲଗେଇଲାଣି। ତ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହେଲା, ସାଇନ୍ସ କେବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ ଲେଖିପାରିବ। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ଯଦି କିଏ ଜାଣିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଉ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟର କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବେ, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଖୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଜାଣୁ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ପର୍ପଜିଭ୍। ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ପର୍ପଜ୍ ଥିବ, ବିନା ପର୍ପଜ୍ରେ ସାଇନ୍ସ କେଉଁଠି କାମ କରେନି। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋବୋଲି ଏଥିରେ ଚାଲିବନି। ରେପ୍ଲିକେବିଲିଟି ରେପ୍ଲିକେବିଲିଟି ମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ସେ ଢାଳିପାରୁଥିବ। ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ଲ, ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଲ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରେ, ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ, ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରେ। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ଲ, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଏଠି ତୁମେ ଧର ଏଇଟା ଲେଖୁଛ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଅ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି। ସାଇନ୍ସ ଜରିଆରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରୁଛେ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା କେଉଁଠି, ସେଠି କିଛି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ତୁମେ ବ୍ୟୁରୋ ପଠାଇବ, ସେଇଟାକୁ ଲ୍ୟାବ୍ ପଠାଇବ। ସେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯେ ଏଇଟା କାହାର ହେଇଥାଇପାରେ, ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇବେ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦ ନଲେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରୁଭ୍ଡ, ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅବଟେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ। ସପୋଜ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ସି ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ମାନେ ଗଜଗାମିନୀ ଚାଲି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମ ସେଇଟାରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ମୋଟା ଝିଅଟେ ଗଜ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି, ହାତୀ ଭଳିଆ, ତା ଚାଲିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତା'ର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସେ ନଲେଜ୍ଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ ରିଜନିଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏଇଟା ଅର୍ ନୁହେଁ, ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ସାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ରିଜନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍, ଏଇ ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ଟା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍, ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ସି ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ସି ସ୍କୋୟାର ହିଁ ହେବ। ଗାଡ଼ିରେ କନଭେକ୍ସ ମିରର୍ ଲାଗେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ କନଭେକ୍ସ ମିରର୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି ତୁମେ ଏଇଆ ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଯଦି ତୁମକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିବ ମାନେ ପିନ୍ଧିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା। ଯେଉଁ ଦେଶର ସାଇନ୍ସ ଯେତେ ଭଲ, ସେ ଦେଶର ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେତେ ଭଲ, ସେ ଦେଶର ଗମନାଗମନ, ସେ ଦେଶର ସବୁକିଛି ସେତେ ଭଲ, ସେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମହାକାଶ ମିଶନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ଭଲ। ସୋ
आउ युद्ध पाई कि वेपन तैयारी करिवारे भी से देश को बहुत सुविधा तो साइंस आउ टेक्नोलॉजी गोटे देशर डेवलपमेंट पे बहुत इंपोर्टेंट साइंस इज इंपोर्टेंट इन आवर लाइव्स बिकॉज इट एडवांसेस आवर लाइव्स ठीक अच्छे साइंस आम लाइफ रे बहुत इंपोर्टेंट माने रोल प्ले करे बिकॉज आम लाइफस्टाइल को एडवांस करिवारे साइंस आवश्यकता रही जमीक मुझे कहली आगु आम हाथ पंखा यूज करते देन फैन सिलिंग फैन टेबल फैन यूज कले ए सी यूज करुचे सो आम लाइफ स्टाइल को एडवांस करूनी इट डील्स विद द न्यू क्रिएशन इनवेंशन एंड बिहेवियर एंड डिस्कवरीज सॉरी ये कौन करे ना नुआ जिनस क्रिएट करिवारे नुआ जिनस उद्भावन करिवारे आ नुआ जिनस आविष्कार करिवारे सहाय्य करे थाए इट हैज इंपैक्ट ऑन डिफरेंट फील्ड्स एग्रीकल्चर हेल्थ होम प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज एंड वेलफेयर एटार डिफरेंट फील्ड रे एटार कौन अच्छी ना आवश्यकता अच्छी एग्रीकल्चरल फील्ड रे आवश्यकता अच्छी हेल्थ फील्ड रे आवश्यकता अच्छी होम प्रोडक्ट रे आवश्यकता अच्छी इंडस्ट्री गुड़ाक आवश्यकता अच्छी आउ वेलफेयर माने जनकल्याण यार आवश्यकता अच्छी साइंस ऑल्सो डील्स विथ ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड अदर प्रॉब्लम साइंस कौन करता है ना ह्यूमन एनवायरनमेंट आउ अदर प्रॉब्लम गुड़ाक संगे डील करता है एबे देखिबा फंक्शंस ऑफ साइंस साइंस रो फंक्शन कौन बा कार्यकारिता कौन टू डिस्क्राइब साइंस कौन करे ना डिस्क्राइब करे बहुत किसी जिनस डिस्क्राइब करे जमीक गोटे छोटिया कथा कहूँ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू फेनोमेन दुईटा जिनस भितर कौन संपर्क अच्छी डिसाइड करता है जमी गच्छ और मनुष्य भितर संपर्क कौन अच्छी गच्छ और मनुष्य भितर संपर्क कौन अच्छी ना गोटे गोटे मनुष्य अच्छी गोटे गच्छ अच्छी हेला गच्छ दौची ऑक्सीजन जोटा को मनुष्य ग्रहण करुची आउ मनुष्य दौची कार्बन डाइऑक्साइड जोटा को गच्छ ग्रहण करुची गच्छ मनुष्य भितर या रिलेशन अच्छी एटा को डिस्क्राइब किए कला साइंस कला टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन द कॉज इफेक्ट एंड हिस्ट्री हेला सब जिनस कौन पाई हेला काहीकि हेला को बैकग्राउंड तार बोलिकी सी एया हेला ए सब जिनस को एक्सप्लेन करे किए साइंस जदि मु आरो गोटे उदाहरण देकी आपण मानको बुझेबी तले आपण माने बुझिजबे ताले आपण माने बुझी जिबे जे सपोज गोटे जगार कौन है ना लैंड पॉल्यूशन बहुत होची सपोज दिल्ली रे एयर पॉल्यूशन बहुत होची तो दिल्ली रे कौन हेला ना जेते बेले माने पेंडेमिक टा स्प्रेड हेला दिल्ली रे सबुठारु अधिक लोक मले मेडिकल ले फुल हो गले सबुठारु अधिक लोक मले तार कॉज कौन ना दिल्ली रे ऑक्सीजन दिल्ली टा बहुत पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली रे ऑक्सीजन रो मात्रा बहुत कम तो सेठिकार लोक माने बेसी बेमार हेले दिल्ली टा जेतु हाईली पॉपुलेटेड सिटी बहुत लोक सिटी अच्छा तो मेडिकल फैसिलिटी से मैंने कौन पर्याप्त हैला नहीं देन तार इफेक्ट कौन हैला ना डॉक्टर शॉर्ट अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज कम अच्छी कंपैरेटिवली कम अच्छी लोक संख्या बहुत अवेयरनेस कम हो गला सिटी मैंने लोक मैंने कोऑपरेट कले नहीं जहाँफल कि तार इफेक्ट है से पूरा बहुत मात्रा रे प्रपीड़ित हो गले मैंने पूरा पटाड़ी पड़गला देन आसला हिस्ट्री यार हिस्ट्री कौन दिल्ली में सबुठ अधिका रिफ्यूजी कैंप अच्छी दिल्ली में सबुठ अधिका एम्प्लॉयमेंट स्कोप अच्छी जहाँफल कि अधिका पॉपुलेशन अच्छी आ दिल्लीटा जेहतु आम कैपिटल दिल्लीटा जेहतु दिल्ली पाखे बहुत इंडस्ट्रियल स्टेट अच्छी दिल्लीटा बहुत पल्युटेड भी सो सब जिन तुम जापरल देन आसला प्रेडिक्ट करा प्रेडिक्ट करा मैंने टेस्टिंग हाइपोथेसिस मुझे कहली ना अलरेडी हाइपोथेसिस विषय में कौन से गोटे समस्या समाधान हम बा कौन से गोटे एक्सपेरिमेंट हम कौ उपाय हम से परीक्षा करवा प्रेडिक्ट करवा यही उपाय हेले एटा समाधान हबो कि नाही देन देखिबा टू प्रेडिक्ट टु प्रेडिक्ट कौन टेस्टिंग हाइपोथेसिस मैंने कहली गोटे एक्सपेरिमेंट जदि आम करुचे कि जदि गोटे कौन से समस्या रो समाधान करुचे गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करुचे आम देखा गोटे उपाय पाँचवा ये उपायटा आम सठिक भाव में कम कर कि ना जदि उपायटा मुझे प्रयोग करुच्चे मो कमटा होगी कि ना मोर प्रोब्लेमटा सल्व हो कि ना मो एक्सपेरिमेंट्रे कौन रिजल्ट आस टेस्ट करवा से कमी करा प्रेडिक्ट कले ही करवा एक्सपेरिमेंटेशन वैलिड्स द प्रेजे द परसेप्शन ठीक अच्छे एक्सपेरिमेंट करके जहाँ भी आम परसेप्शन अच्छे चिंताधारा अच्छी कि चिंताधारा अच्छे कौन करवा ना देखा जे भैलीड हो ना ना देन आसला टू प्रड्यूस एम्पीरिकल नॉलेज नॉलेज डीजीई नॉलेज रिक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन करके आमको जो नॉलेज पुख्ता नॉलेज मिले थाए जो आम एम्पीरिकल नॉलेज बोली कहू से ही लिखाई जे यहाँ आमको एम्पीरिकल नॉलेज प्रड्यूस करे साहय करे टू क्वांटिफाय मेजरिंग एंड गिविंग आक्युरेसी कौन से गोटे जिनस को मेजर करवा और तार आक्युरेसी दबा सपोज गोटे सेल सेल रईज के मेजर करवा के माइक्रोन से आक्युरेसी दबा एमती कि आम जो आरबी
ଏବିସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବି ସି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ ସେଲ୍ ଭୁଲ୍ରେ କହିଦେଲି, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କୁଲ କି ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍, ତା'ର ବି ସାଇଜ୍ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ସାଇଜ୍କୁ ବି ମେଜର୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପିବା, କାହା କୌଣସି ତରଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପିବା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାରି ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ମାପିବା, ଏସବୁଥିରେ ସ୍କଲର୍ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମେଜର୍ କରିବା ଆଉ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦେବାରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆସିଲା ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲ୍ଚର, ଇନକଲଚରାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକଲଚରେସନ୍। ଇନକଲଚରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜେ ନିଜର କଲଚର୍ଟାକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ନିଜର କଲଚର୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇକି ନିଜ କଲଚର୍ଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଉପାଦାନ ସାଜିବ। ଆକଲଚରେସନ୍ ମାନେ ତୁମେ ବାହାର କୌଣସି କଲଚର୍ ବିଷୟରେ ଆୱେର୍ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟେବଲ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ସାରା ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଚାରିଟା ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆହୁରି ତୁମେ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସକୁ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବାୟୋଲୋଜି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ବଡି ହେଉଛି ବାୟୋଲୋଜି। ମୋତେ କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାଇନ୍ସରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସଟା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିଟା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ବାୟୋଲୋଜିଟା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ କହି ବୁଝେଇବି ଆଉ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍କୁ ବି ଭଲରେ ବୁଝେଇବି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ପର୍ପସ୍, ଯେତିକ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେକୁ ସବୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲିଭିଙ୍ଗ ବଡି, ଯେତିକ ବସ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ତିନିଟା ଜୀବନ୍ତ ବଡି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଆନିମଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁ। ବାୟୋଲୋଜିର ଏଗେନ୍ ଦୁଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିର, ଗୋଟେ ହେଲା ବଟନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୁଲୋଜି, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ସାଇନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ୍, ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ଲେଖିଦିଅ, ହେଲା କ'ଣଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ଲେଖିଦିଅ, ହେଲା। କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବିଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନୂଆ ଡିସ୍କଭର ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନୂଆ ଡିସ୍କଭର ହେଲାଣି, ତ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ହଇଜାରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ, ହାଡ଼ଫୁଟି ବସନ୍ତରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଭ୍ ଆୱାର ସୋସାଇଟି, ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଏଜୁକେସନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ସଂସାରରେ, ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ସାରା ଇଏ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ହେଲ୍ପ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଜବ୍, ସାଇନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସପୋଜ୍ ଦେଖ, ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସର ହେଲା ଆମର ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଉଛି ଖାଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଜାଣିବି ଥାଅ, ଦରକାର ବି ଜାଣିଛ ତଥାପି ଟିକେ ଜାଣିଥାଅ, ଯେମିତି ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲା, କି ଆମର ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, କି ଆମର ଜିଓଲୋଜି ହେଲା, ଜିଓଲୋଜି ହେଲା, ତା'ପରେ ସେଠୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଲା, ତା'ପରେ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା, ତା'ପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, ଫିଜିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଲେଖିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆୱେର୍ନେସ୍ ଅବାଉଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହେଲା, ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସାଇନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୱେର୍ କରାଉଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଫୋନ୍ପେ, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ କରିକି ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ସ ପାଉଛ, ହେଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଗୋଟେ ପଠାଇ ଦେଉଛ, ନୋଟ୍ସ ପାଉଛ, ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନା, ସାଇନ୍ସ ବିନା କ'ଣ ଏଇଟାର ପସିବିଲିଟି ଥିଲା କି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବ, ତର୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତ ସାଇନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଏୟାର, ୱାଟର, ସଏଲ, ଏସବୁର କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁକି, ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁକି ଏ ଆମକୁ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଲିଟେରାସି ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍,
आमर कौन हो आमर आगुरु जो निरक्षरता थिला एबे से निरक्षरता दूरीकरण हेलानी एबे आगुरु भाव जदि गोटे लोक ग्रेजुएशन परे पाठ पढ़ी पारुनी घर चलाउची से पोस्ट ग्रेजुएशन करिया को तार इच्छा थिले भी से करि परिवनी एबे साइंस कोन करिची ना डिस्टेंस एजुकेशन रो स्कोप आनीची जो थरे कि ऑनलाइन एडमिशन माने साइंस आनीनी एजुकेशन सिस्टम आनीची किंतु तादरे आईसीटी रो इन्वॉल्वमेंट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रो इन्वॉल्वमेंट कोन करिची ना शिक्षा क्षेत्र रे बहुत बहुत माने हेल्प करूची देन तापर आसीला क्लासरूम गुडा करे स्मार्ट बोर्ड रो यूज कई सब जिन एगुड़ा भी कौन करुच्चे ना आमको लिटरेट करियर साहय कर डिस्कवरी न्यू नॉलेज एंड न्यू क्रिएचर है आमर साइंस कौन कर नूतन नॉलेज डिस्कवर करिवारे और नूतन क्रिएचर डिस्कवर करिवारे बहुत हेल्प करुच्चे देन आसा स्ट्रक्चर ऑफ साइंस कौन सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर आ गोटे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है देखा कौन एगुड़ाक सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर कौन अच्छी सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर अच्छी रुह हाँ आमर विभिन्न प्रकार फैक्ट्स माने विभिन्न प्रकार सत्य विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट है माने जो स्थूल आधार थ्योरी माने जान तुम्हें जोटा को तुम्हें कौन थ्योरी माने जोटा को उपपाद्य बोली कौच जेन आस नियम जेनेलाइजेसन माने साधारण सत्य जो गुड़ाक विभिन्न प्रकार प्रिन्सीपल्स विभिन्न प्रकार डेफिनेशन संज्ञा यही सब जिनस गुड़ाक आमर आसीगला एपटे देन तापर सिंटैक्टिक को जीवा देखा कौन अच्छे तार ना तार अच्छी जे विभिन्न प्रकार मेथड माने कौन से फैक्ट को जब तुम्हें पढ़व मेथड तो दरकार ना विभिन्न प्रकार मेथड अच्छी विभिन्न प्रकार प्रोसेस अच्छी ऑब्जर्वेशन अच्छी कौन से गोटे जिनस एला केमी ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण कर एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंटेशन इन्फरेन्स है ये सब जिनस जाक अच्छे देन आसला कौन ना आमर सब्सटेंटेटिव स्ट्रक्चर जो अच्छी से भाग में विभक्त हो गोटे एम्पिरिकल नॉलेज आ गोटे थियोरेटिकल नॉलेज एम्पिरिकल नॉलेज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज कौन गोटे एम्पिरिकल नॉलेजटा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उपरे डिपेंड करता है जोटा कि आम मानने देखिकी सुंघिकी स्पर्श करिकी घ्राण करिकी जानू माने सेन्स ऑर्गन गुड़ाक जरिया आमर आउ से आ गोटे इंस्ट्रुमेंटल ऑब्जर्वेशन माने इंस्ट्रुमेंटल ऑब्जर्वेशन माने इंस्ट्रुमेंट रो यूज हबो है इंस्ट्रुमेंट यूज होमें कौन करवा मेजर करवा विभिन्न प्रकार आपाराटस यूज विभिन्न प्रकार इंस्ट्रुमेंट यूज करें मेजर करवा तार आक्यूरेट वैल्यू बाहर करवा जहाँ भी करवा देन आसला फैक्ट्स फैक्ट्स कौन ए थिंग दैट इज नोन और प्रूव्ड टू बी ट्रू है फैक्ट हूँ गोटे जिनस गोटे मानने कौन धारणा जहाँकि सत्य बोली प्रमाणित हम ताको ही आम फैक्ट बोली कहू देन आसला थियोरेटिकल नॉलेज रे कौन कौन आसला ना आमर कनसेप्ट आसला कनसेप्चुअल स्कीम्स आसला प्रिन्सीपल्स आसला जेनेलाइजेसन आसला ल आसला थिरी आसला आउ हाइपोथेसिस आसला हैला देन तापर देखिबा एम्पिरिकल नॉलेज कौन माने आम युवाक आउ टे डिटेल पढ़ा है एम्पिरिकल नॉलेज कौन फास्ट देखीदा एम्पिरिकल नॉलेज है दिस इज डिफाइंड फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन तुम्हें जदि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कल कौन गोटे जिनस को ऑब्जर्व कल एक्सपेरिमेंट करके जान लो जो ज्ञानटा तुमको मिलूँ ताको तुम्हें एम्पिरिकल नॉलेज बोलिका कह देन आसला थियोरेटिकल नॉलेज कौन थियोरेटिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड आइडिया थियोरेटिकल नॉलेज है विभिन्न प्रकार अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विभिन्न प्रकार मैंने आबस्ट्राक्ट मैंने बुझ विमूर्त आबस्ट्राक्ट कनसेप्ट विभिन्न प्रकार प्रिन्सीपल आउ आईडिया पर्यवेसित जोटा को तुम्हें डायरेक्टली देखिन कि जाण जड़े लेखी बोली तुम्हें पढ़ु जमीक थियोरीटिकल नॉलेज तुम्हें थियोरी पढ़ुच चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विभिन्न प्रकार थियोरी तुम्हें पढ़ी जाऊ है जो मैंने से क्लास देखिन जाइए देख प्ले लिस्ट आवेलेबल अच्छी है पांचटा यूनिट्र भिड मुझा यूनिट मुझे पांचटा भिडियो हम कम्प्लीट कर सर्ट भिड में तो से देख विभिन्न लोक विभिन्न थियोरी सोशियो कल्चरल थ्योरी देखते इनसाइड थ्योरी जोटा तुम्हें सेकंड सेमिस्टर में पढ़व एमती बहुत सारा थ्योरी देखते जो गुड़ाक तुम्हें पढ़व ट्रायल एंड एरर थ्योरी ए थ्योरी विषय में तुम्हें जान सी निजे एक्सपेरिमेंट करके गोटे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तुम पाखते तुम्हें पढ़ी से हिसाब से आइडिया नौ देन तापर आसला देखा ये जो थियोरेटिकल नॉलेज जो सब पॉइंट गुड़ाक देखीदा फास्ट है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कौन कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड एज अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दे आर अंडरस्टूड टू बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल थॉट्स एंड बिलीव है तो आमर
कनसेप्ट हूँ कौन ना कनसेप्ट हूँ आबस्ट्राक्ट आइडियाज जो गुड़ाक तुम निजे नहीं न कि कनसेप्ट क्लारीफाई अच्छी मैंने तुम्हें कौन करा जहाँ भी जी कही जिनसटा भल भाव में बुझीच सपोज गोटे अच्छी आम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से तुम भल भाव में बुझीच है बुझिकी तुम्हें कौन कर तुम मैंने कनसेप्ट क्लीयर अच्छी मैंने फंडामेटाल बिल्डिंग ब्लक जो तुम अच्छी कौन सी जिन विषय से तुम क्लीयर करनसेप्चुआल स्कीम दिस इज हाई लेवल डाटा मॉडल दिस इज वेरी इनफॉर्मेशनल नीड्स अंडरलाइंग द डिजाइन ऑफ डाटाबेस है तो यहाँ कौन है ना गोटे हाई लेवल डाटा मॉडल आईटा इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करे यहाँ कौन हो डाटा बेस जरिया डिजाइन करा जाए पारे तीन टा पॉइंट देखो लिखाई है तीन टा पॉइंट को तुम्हें वन टू थ्री कर तीर मारिक भी लिखिपार देन आसला प्रिंसिपल कौन ए फंडामेंटल ट्रुथ और पोजिशन दैट सर्व एज फाउंडेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग है यहाँ हूँ कौन ना गोटे फंडामेंटल ट्रुथ साधारण सत्य और प्रपोजिशन जोटा कौन करा आमको कौन सी गोटे बिलीफ व कौन सी गोटे बिहेवियर व कौन सी गोटे रीजन को जानवापी कि फाउंडेशन प्रोवाइड करें मैंने आर्कमिडीज प्रिंसिपल गोटे अच्छी आर्कमिडीज प्रिंसिपल तुम्हें कौन कर वस्तुत्व कैलकुलेट कर देन तापर आसला जेनेलाइजेसन एटा कौन टेकिंग समथिंग स्पेसीफिक एंड आप्लाइंग इट मोर ब्रडली इज मेकिंग जेनेलाइजेसन तुम्हें गोटे कौन सी जिनस को स्पेसीफिकाली नौ आ गए ब्रड सेन्स प्रयोग करुचा जेनेलाइजेसन कपोज मु तुमको जब गोटे उदाहरण देवी धर तुम्हें कहल मैन इज मोर्टाल यहाँ हूँ गोटे जेनेल ट्रुथ मान मनुष्य मरणशील आउ कहली राम इज ए मैन ता माने राम भी गोटे मनुष्य माने राम भी मरिबो सो दैट राम इज मोर्टल बुझिपार्च किंतु मु कौन करी ना गोटे स्पेसिफिक इनफर्मेसन ने स्पेसिफिक इनफर्मेसन ने राम इज ए मैन एंड राम इज मोर्टल सीता इज अ गर्ल एंड सीता इज मोर्टल आई एम अ वुमेन एंड आई एम मोर्टल ही इज अ मैन एंड ही इज मोर्टल सो दैट आम कनक्लूजन कौन काढ़ तार जे मैन इज मोर्टल जिते मनुष्य अच्छा पृथ्वी रे समस्ते जन्म ने जो सॉरी समस्ते मृत्युवरण करेंगे गोटे स्पेसिफिक इनफर्मेसन रु आम गोटे जनरल इनफर्मेसन काढ़ जोटा कि ब्रड सेन्स यूज हो देन आसला ल आर कि ल अच्छे जो सॉरी आर कि ल कौन ल कौन देखा ल इज ए सेट अफ रूल्स दैट आर क्रिएटेड एंड आर इनफोर्सेबल बाय सोशल और गवर्नमेंटल इनट्यूशंस टू रेगुलेट बिहेवियर ल मैंने कौन ल हूँ मानने नियम से नियम कौटी भी हो पाए स्कूल जब तुम्हें स्कूल नियम अच्छी पाठ पढ़ तुम्हें सब प्रकार थीओरी गोटे गोटे नियम अच्छी जमीक न्यूटन्स ल मेंडल्स ल गुड़ाक एग्जाम्पल देली सेमती सोसाइटी में बचे सोसाइटी ल अच्छी गवर्नमेंट रोटे गोटे ल अच्छी आउ से लटा को रेगुलेट करती सेटा को दरकार पड़े एनफोर्स भी करा जाए माने जबरदस्ती जरूरी कालीन परिस्थिति सृष्टि कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर एमितिया ल अच्छी समस्ती से लागू है कहीं ताको ये करें माने अणदेखा करें थ्योरी कौन ए थ्योरी इज ए सेट ऑफ कोहेरेंट आइडियाज एंड जनरल प्रिंसिपल्स दैट कैन बी यूज टू मेक मीनिंग ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस ठीक अच्छे थ्योरी हूँ गोटे कोहेरेंट आइडिया जो गोटा के कौन करे ना कौन सी गोटे जनरल प्रिंसिपल उपरे बेस करके थाए आउ जोटा कि आमको अनेक ज्ञान प्रदान करें जमी पिथागोरियस थ्योरी तुम्हें पढ़ चो मैथमेटिक्स छुआ थ्योरी आज सरी मैंने साइंस छुआ को थ्योरी विषय कौन बेस पढ़ेबी देन आसला हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस कौन ऑन डिमांड बहुत कष्टिया वर्ड टा एबे पर्यंत आम पढ़ी आसचे ए स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन इज डिस्क्राइब इन क्रिएट टर्म्स व्हाट यू एक्सपेक्ट विल हैपन इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस एटा से ही कह गोटे टेस्टेबल प्रेडिक्शन माने मुझे जोटा को ओडिया रे कहते तुमको उपाय हैला जो उपायटा बांचिबो से उपायटा कौन हम ना तुम टेस्टेबल होगा दरकार माने काल्पनिक हवा कथा नुहे सपोज गोटे बिराड़ीटे गोटे पानी रे पशि जाइए मुझे गोटे हाइपोथेसिस फॉर्म करी से बिराड़ीटा को केमी आनी पार तुम्हें कह आम बंशी पकईकि से बिराड़ीटा को आनी पार बंशी पकड़े बिराड़ी आसपार बिराड़ी आसपारे तुम्हें धर कह जाल पकई आनी पार हाँ ठीक
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଲ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିରାଡ଼ି ଆଉ ଛନ୍ଦୁରି ଛନ୍ଦୁରି ବେକ ଚାପି ମରିଯିବନି ତ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ବିରାଡ଼ିଟାକୁ କେମିତି ଆଣିପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ବିରାଡ଼ି ପାଖକୁ ପକାଇକି ବିରାଡ଼ିକୁ ଆଣିପାରିବା ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସପୋଜ୍ ବିରାଡ଼ି ଗୋଟେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କନସେପ୍ଟ। କନସେପ୍ଟର ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଭ୍ୟାରି ଫ୍ରମ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ସିମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସିମ୍ପଲ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଇପାରେ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଭ୍ୟାରି କରେ କେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି, କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ କି ଏଇଟା ହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି, ଏହାର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରେ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ହେଇପାରେ, ମେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଲିମିଟେଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ, ଜଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ତାର କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇପାରେ। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ ଡିସ୍କସନ୍, କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। କନସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାନେ ବିମୂର୍ତ୍ତ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ କନସେପ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ଟା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଫାସିଲିଟେଡ୍ ବାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରାଏ, ମାନେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍, କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ର କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ହେଇଛି କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ର ଟୋଟାଲି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ, କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆର କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ, ଭେରାଇଟି ଆଣ୍ଡ ସିମିଲାରିଟି ଆର ରହିବ, ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏଇଟା ହେଇଥିବ, ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆର ଗୋଟେ ଥିବ, ଆଉ କନଜରଭେସନ୍ ଥିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସର କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, କୌଣସି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆର୍କିମିଡିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଇଟା, ଏଇଟା LHS ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫର୍ମଡ୍ ଅନ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ, ତର୍କ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କେବେ ଫର୍ମ ହେଇପାରିବନି, ତର୍କ ଦରକାର, କାହିଁକି ଏଇଟା ସେଇଟା ହେଲା, ପୁରା ଦରକାର ତର୍କ। ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ପ୍ରୁଭ୍ଡ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବ, ବା ସତ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିବ, ବା ସତ୍ୟ ପାଇଁକି ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଥିବ। ଏମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର ଟପିକ୍ସ ଅଫ୍, ଛାଡ଼ ଏଇଟାର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି ବହୁତ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ତୁମେ ଅବଜରଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରି ଜାଣିପାରିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମୋର୍ଟାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ମରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ଅଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଟିଂ, ଅଲ୍ ମେଟାଲ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଟିଂ, ସବୁ ମେଟାଲ୍, ଯେତେ ମେଟାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁନା, ରୂପା, ଦସ୍ତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେଟାଲ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ହିଟ୍ ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲଜ୍, ଲଜ୍ ଉପରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅବଜରଭେସନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଏଇଟା ଅବଜରଭେସନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେ ଆର୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଜେନେରାଲି ଦେ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରଡ୍ ସ୍କୋପ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବେସ୍ କରିଥାଏ, ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଏହାର ଥାଏ। ଯେମିତି ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ଲ, ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କେତେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ରିସେସିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଇନହେରିଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କେତେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତୁମେମାନେ ତୁମେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରା ପଢ଼ିଛ ଏ ପାଠ, ଆଉ ତୁମକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବାକି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲ ରହିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦାହରଣ ତ ଦିଆହେଇଛି ମେଣ୍ଡେଲ୍ସ ଲ, ଦେନ୍ ଥିଓରି ଆସିଲା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଅବଜରଭେସନାଲ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅର୍ ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ଅବଜରଭେସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ, ଶୁଡ୍ ବି ପ୍ରିସାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର, ଏଇଟା ଥିଓରିଟା କେବେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇନଥାଏ, ଥିଓରିଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଛୋଟିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ କ୍ଲିଅର ହେଇଥାଏ, ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ହେଲା, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ
संरचना थी ग्राउंडेड इन एम्पिरिकल आइडिया जेहेतु ये देख ऑब्जर्वेशन पॉइंट गुड़ाक से कि एम्पिरिकल आइडिया ना एम्पिरिकल आइडिया मैंने कौन तुम्हें जो जिनटा को ऑब्जर्व करके जो जिनटा को निजे एक्सपीरियंस करके एक्सपेरिमेंट करके जो नॉलेजटा पाच दैट इज एम्पिरिकल आइडिया इट हाज एप्लीकेबिलिटी एटार एप्लीकेबिलिटी अच्छी मैंने यू अप्लाय कर एक्सप्लेन्ड इन मोस्ट सिंपलेस्ट फर्म यू तुम्हें जिते रू जिते सरलतम फर्म प्रेजेंट कर देन आसला सिनाक्टिकल स्ट्रक्चर सिनाक्टिकल स्ट्रक्चर कौन साइंस इज साइंटिफिक इनक्वारी गोटे रहा जोटा कि तुम्हें क्वेश्चन पचारी पचारी इनक्वारी कर साइंस इज ए प्रोसेस माने तुम्हें स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर करने कि तुम्हें कौन कर स्पेसिफिक प्रोसेस यूज कर देन फास्ट देखा आम साइंटिफिक इनक्वारी कौन कौन रही साइंटिफिक इनक्वारी तुम्हें कौ कौ टास्क ऑब्जर्विंग क्वेश्चनिंग एक्सपेरिमेंटिंग कंपेयरिंग इन्फरिंग जनरलाइजिंग कम्युनिकेशन अप्लाइंग वर्ड तक मुझे ही कौच आई वर्ड तक भितर जदि कह रही असुविधा अच्छे बुझीपारे ना तो कईंडली मत कह आम बुझीपालूना आम कंपेयरिंग मैंने कौन कंपेयरिंग मैंने तुलना करवा आम बुझीपालूना क्वेश्चनिंग मैंने कौन क्वेश्चनिंग मैंने प्रश्न करवा आम बुझीपालूनि अप्लाइंग मैंने कौन अप्लाइंग मैंने अप्लाय करवा कौन से जगह प्रयोग करवा तो बाकी जो वर्ड गुड़ा छाड़दी किए न बुझीपाले मत मेसेज करेंगे मुझे जानवाक चाहिए जो किए यही सिंपल जिनस भी बुझीपुर ना सो देखा देन नेक्स्टा देखा आर सैडा साइंस इज ए प्रोसेस साइंस इज ए प्रोसेस मैंने कौन आक्यूरेट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन साइंस कौन करे ना सब आक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दब आउ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दब कवि जितेबाला लिखे से वर्णना करेंगे बहुत किसी जिनस लिखे प्रिसाइज हुए तो करपारे सीए आक्यूरेट हुए तो न कहीपारे सीए कि जो वैज्ञानिक निजर तथ्य उपस्थापन कर सर्टकट भी कर आक्यूरेट भी कर देन आसला क्लासीफिकेसन क्लासीफाई करवा जमीक तुम्हें जाचो जो आम किंगडम क्लासीफिकेसन होमर स्पेसीज क्लासीफिकेसन हो जेनेरा जो आम जीनस स्पेसीज क्लासीफिकेसन होमती ए क्लासीफिकेसन सैंस जरिया ही देन आसला कनसस् देन आसला रिपिटेशन देन आसला एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन आसला मेजरमेंट एतिक जिनस रहीगला प्रोसेस भितर आउ इनक्वारी भितर आम एतिक जिनस रहा सो एबे देखिबा वैल्यूज ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस द टर्म वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैल्यू व्हिच मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड विगरस ओके एटा विषय में मुझे बेसी कौन डिस्क्राइब करी कहीं ना को मु ऑलरेडी बायोलॉजिकल साइंस जो पढ़ाऊँ बढ़िया कि डिस्कस करी जो मर सीबीजेड अच्छे फिजिकल साइंस संगे बायोलॉजिकल साइंस अच्छे से देखिपारे आराम से वीडियोटा भी मानने यूनिट वन रो वीडियो डेफिनेशन आर गोटे अरबान देते गोटे डेफिनेशन वैल्यू इज दैट व्हिच सैटिस्फाई ह्यूमन डिजायर मनुष्यर जहाँ भी आकांक्षा अच्छे जी सैटिस्फाई करुच्चे ही वैल्यू कह जाए वैल्यूर ओडियाटा को मूल्यबोध कह जाए फास्ट आम देखा इंटेलेक्चुअल वैल्यू विषय इंटेलेक्चुअल वैल्यू मैंने कौन जोटा तुम थिंकिंग तुम थॉट बा तुम इनसाइट उपर डिपेंड करू थिवो ताकू तुम कौन कर इंटेलेक्चुअल थिंग बोली कह फिजिकल साइंस आज इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस साइंस कॉमन सेंस बिना केवे पॉसिबल ही नुहे गोटे लोकर जदि कॉमन सेंस नथिवो से केवे साइंस पढ़ी पारिबोनी माने जने घोसा बळद कि जे 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 माने मुंडा बुद्धि हेतिवो माने साइंटिफिक नॉलेज सारा डेवलप होबै बा साइंटिफिक थॉट डेवलप होबै तर टाइम लागि जिवो तो ये जो रीजन दवा तर्क करवा कि चिंता करवा यही सब जिनस गुड़ाक आसो जदि तुम मानने तुम साइंस पढ़ुच यहाँ को ही इंटेलेक्चुअल वैल्यू बोली कहते साइंस डेवलप इनसाइट इनसाइट मानने कौन से गोटे जिनसर अंतर्दृष्टि को झाकिबा ताकू कहते इनसाइट इंटु द मिस्टीरियस अफ नेचर साइंस डज नॉट परमिट वन टू आक्सेप्ट एनिथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन कौन से गोटे जिनस पर्यवेक्षण परीक्षण द्वारा जदि प्रमाणित होनी तबे सही सत्य को बा सही जिनसटा को एक्सेप्ट साइंस केबे करिया को दबनी हैला जो लोकटा साइंटिफिक माइंड रहितबो से केबे कोनोसी कुहा कथा रे विश्वास करिवोनी से देखिबो जे या ऊपर आर सत्यता कोन देन आसला यूटिलिटेरियन वैल्यू माने यूज रे दरकारी बा उपकारी जो जिनसटा सही वैल्यूटा कोन ना द नॉलेज ऑफ साइंस हेल्प्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पॉल्यूशन पॉपुलेशन इकोलॉजिकल इंबैलेंस एटसेट्रा वर्तमान जो प्रदूषण होउची जनसंख्या वृद्धि होउची बा जो हमर इकोलॉजी इम्बैलेंस होची माने धीरे धीरे कौन होची ना माने जलस्तर कमी कमी
जाऊँ मधुर जलस्तर ग्लासीयर गुड़ा मेल्ट करुच्चर जंगल गुड़ाक विपर्यस्त हो जाफल कि कौन होना सेठिकार इकोसिस्टमटा बाधाप्राप्त होसबू प्रोब्लेम को सागे डिल करने सैंस हेल्प कै सैंस मेक्स आवर डे टू डे लाइफ लग्जरीयस एंड आडभांस सैंस जुगु आम ब्रश करवा आरंभ कर राति एसी लगे शोवा पर्यटन सबकि लाइफटा लग्जरीयस हो जाए आडभांस हो जाए सैंस अनेबल स्टोर हाउस अफ नेचुरल पावर रिसोर्सेस एंड इट इज रेजिंग द स्टैंडर्ड अफ लिविंग पीपल सैंस कौन करुच्चना बहुत गुड़े नेचुरल पावर प्राकृतिक शक्ति एवं प्राकृतिक संपदर गंताघर जोटा कि कौन जार व्यवहार जो प्रत्येक लोकर जीवन बचार शैली धीरे धीरे उन्नत मानर हो चली वोकेशनल वैल्यू साइंस रो कौन रही द वर्ड वोकेशन मीन्स साइंस ऑफ फिटनेस फॉर अ कैरियर और ऑक्यूपेशन वोकेशनल मान कौन धंदामूलक शिक्षा तुम्हें जाच वोकेशनल एजुकेशन मान धंदामूलक शिक्षा वोकेशनल वैल्यू मान धंदामूलक मूल्यबोध तो कौन सी गोटे लोकर वोकेशन का कह सीए कौन गोटे क्यारिअर कि गोटे अकुपेशन कि वृत्तिगत भाव में जदि सी फिट हो पार स्वावलंबी हो पार तेज आम वोकेशन कह फिजिकल साइंस प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्पेस एक्सेट्रा फिजिकल साइंस जदि गोटे लोक केवल पढ़ो से बहुत गुडा क्षेत्र में तरह डेवलपमेंट हो पार सी मेडिसिन डेवलप कर मेडिसिन मेडिको हेनी मैंने डक्टर हेनी सी डक्टर पढ़ाई बायोलोजी पढ़ा दरकार सी मेडिको हे मेडिसिन डेवलप कर कहीं ये केमिस्ट्री पाठ ना देन सेठ एग्रीकल्चर है सेठ इंजीनियरिंग कर स्पेस रिसर्च करमी बहुत किसी कम करेन आसला मोराल वैल्यू मैंने जाचे तुम्हें कही ना मोराल वैल्यू मैंने भल मंद भितर तफात कर ठीक भूल भितर डिसीजन नहीं पार साइंस डेवलप्स थ्री बेसिक फैक्ट्स थॉट गुडनेस एंड ब्यूटी साइंस यही तीनटा जिनस कौन करें ना मनुष्य भितर डेवलप कर देता है जोटा को सत्य शिव सुंदर बोलिका कहते कौन आम फिलोसोफिकल फाउंडेशन में पढ़ीचे द क्वालिटी अफ ऑनेस्टी सेल्फ जुडिस सेल्फ जस्टिस डिटरमिनेशन सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस ऑटोमेटिकली डेवलप जो लोकटा साइंस पढ़ो तार ता भितर यही सब नेचर डेवलप होगुड़ाक हूँ साइंटिफिक नेचर मूल तत्व देन आसला कल्चरल वैल्यू मैंने कौन देख मु तुमको बुझे दूसरी तुम बुझीप साइंस जोगुरु कौन है ना पृथ्वीटा पूरा गोटे छोट पर गणा है साइंस जोगुरु अमेरिकार कल्चर विषय में आम जापे सोशल मीडिया जरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोगुरु आम कौन करना कौन गोटे स्थान को पटाक कि उड़ाजाजे उड़ी की जापे तो जहाँफल कि आम धीरे धीरे कौन हो कल्चराल इंटिग्रेशन होस्टर्न लोक मैंने आम कल्चर विषय में जानूंट आम मैंने वेस्टर्न कल्चर विषय में जानूचे है तो सहीटा ही लिखाई देन तापर सेठ आसला ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड है साइंटिफिक मेथड ट्रेनिंग दबो माने कौन कौन डेवलप हे गोटे लोकर ओपन माइंडनेस आगुरी जदि गोटे लोक कम ड्रेस पिंधुवा गोटे झील को देखी जज करूला एवं से भावे हाँ तार फैशन तार स्टाइल आमर कौन अच्छी है साइंस कौन करे ना से भाई ओपन माइंडनेस आने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन स्किल आने माने कौन से गोटे जिनस को गोटे लोक धड़किना विश्वास करनी तार सत्यतार प्रमाण ताक दरकार क्यूरोसीटी डेवलप हुए मैंने जानवर इच्छा जिज्ञासा डेवलप हुए इंपार्शियल थिंकिंग डेवलप हुए गोटे लोक पार्शियल हेनी इंपार्शियल रेन आसला ऑनेस्ट डेवलप हुए सत्यवादिता गुणटा डेवलप हुए देन आसला यूजिंग लीजर टाइम को यूज करेंटा साय करे कमी टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग अफ कमिटी प्रिपेयरिंग इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रिपेयर करें लेजर टाइम पे प्रिपेयर करेंगे टाइम वेस्ट नक नगपी नसपी देन टू टेक् पार्ट इन लोकल रिजनाल एंड नेशनल मीटिंग्स अफ फिजिकल साइंस रिलेटेड जो लोकल मीट हो रिजनाल मीट हो नेशनल मीट जो गुड़ाक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया न्यूज चैनल जरिया ता विषय अपडेट हवा ता विषय जानवा देन आसा टू लिसन एंड वॉच वेरियस प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फिजिकल साइंस रिलेटेड जहाँ भी प्रोग्राम अच्छे ये सब आसेनि स्टुपिड्स ऑफ साइंस एमती सब विभिन्न चिटचैट प्रोग्राम सब आसेनि साइंस रो फिजिक्स रो विभिन्न नियम गुड़ाक बताऊ था से गुड़ाकर पिला कौन करना से गुड़ाक पिला देखिपार ठीक अच्छे देन तापर आसला को रिलेशन बिटवीन फिजिकल साइंस विथ अदर सब्जेक्ट्स ए मत लगुनि यहीटा गोटे निहाती गोटे मानने विराट बड़ जिनस देख फिजिकल साइंस विथ मैथ मैथ सागे फिजिकल साइंस रमी संपर्क अच्छी ना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अच्छी माने से मैथ अच्छी आ फिजिकल साइंस रे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत अधिक अच्छी देखे दौर ये देख फिजिक्स फिजिकल साइंस दुईटा जिनस को लेकिन मुख्यतः भाव में गठित गोटे केमिस्ट्री गोटे मैथ फिजिक्स रोटे सूत्रधर भि इज इक्वाल टू यू प्लस एटी सेमती केमिस्ट्री रोटे सूत्रधर गोटे इक्वेशन देखा टू एन ए प्लस सी एल टू एटा प्रडक्ट कौन बाहर करना टू एन ए सी एल देख है एपटे जीटा कंपाउंड एपटे से कंपाउंड
तो एगुड़ा कौटू आसला मैथ्स संगे रिलेशन अच्छी बोली साइंस आउ लिटरेचर भी सेमती रिलेशन अच्छी साइंस आउ लिटरेचर कौन रिलेशन अच्छी ना एबे भी देख तुम इंग्लीश लिटरेचर ये पाठटा पढ़ु ये जोटा लिखाई इंग्लीश रे लिखाई सेमती प्रिंसिपिया मैथमेटिका जोटा लिखी थे न्यूटन सेटा सेमती गोटे लिटरेचर ही तो लिखाई थी ना सेमती आसला साइंस विथ सोशल साइंस साइंस सोशल साइंस संगे बहुत रिलेशन अच्छी भाई देख सोशल साइंस तुम सब्जेक्ट गुड़ा पढ़ुच हिस्ट्री ज्योग्राफी आउ कौन सब्जेक्ट गुड़ाक तुम सोशल साइंस रे पढ़ुच ठीक अच्छे से सोशल साइंस रो सब्जेक्ट गुड़ाक साइंस बिना संभव कि क्लाइमेटोलोजी रेनफॉल तापर प्लेट्स रोटेशन ऑफ अर्थ एग्रीकल्चर अर्थ एगुड़ाक सब विषय तुम्हें विदाउट साइंस रे पढ़ी पार कि रिसर्च कर पार कि साइंस आज ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन साइंस रो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही ए सोसाइटी दैट नेग्लेक्ट साइंस विच ऑलवेज रिमेन बैकवर्ड जो सोसाइटी साइंस को नेग्लेक्ट करी से सोसाइटी सब बैकवर्ड रही है देख तुम अमेरिकन सोसाइटी को जो मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी को वाइडली एक्सेप्ट करते हैं एडवांस्ड आउ तुम जंगल में रोकता गोटे गोटे ट्राइबल सोसाइटी को देख से किसी दुनिया विषय जान ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी उन्नति होनी जदि से साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्नति होता से विश्व मानने दुनिया विषय में बहुत किसी जानते हैं देन देख साइंस सोशल साइंस तीन टा जिनस लिखिली साइंस एंड ज्योग्राफी साइंस एंड हिस्ट्री साइंस एंड इकोनॉमिक्स क्लाइमेटोलॉजी ऑफ यूनिवर्स उपरे आइडिया जीव ज्योग्राफी रे डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एमती जो गुड़ाक हिस्ट्री न्यूटन को हिस्ट्री अर्ली लाइफ विषय जानवा आइनस्टाइन को अर्ली लाइफ विषय जानवा कैरियर एजुकेशन विषय जानवा एगुड़ा सब हिस्ट्री ना देन तापर आसला इकोनॉमिक इन्फ्लेमेशन माने दर वृद्धि डेमोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स एगुड़ाक सब आम यूर जानवा देन आसला साइंस एंड हाइजीन साइंस केमी साइंस कौन कैर ना आमको इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन माने परिष्कार परिच्छन रहिबार माने विभिन्न दिग बा विभिन्न जो यूटिलिटी विषय में जनई थाए देन आसला साइंस एंड आर्ट आर्ट को आम दि भाग में विभक्त कर गोटे को आम फाइन आर्ट बोली कह गोटे को आम फाइन आर्ट बोली कह गोटे को आम यूजफुल आर्ट बोली कह फाइन आर्ट को गुड़ाक तार पांचटा मानने मेन पार्ट अच्छी गोटे स्कल्पचर मानने मटी में कादुअर क्ले रे जोटा गढ़ा मूर्ति मूर्ति गढ़ा गोटे आर्किटेक्चर गोटे म्यूजिक गोटे पोएट्री आउ गोटे पेंटिंग आउ एगुड़ाक सब क्रिएटिविटी आवश्यक करे सेमती यूजफुल आर्ट कौन एंड यूजफुल आर्ट वी फाइंड आप्लिकेसन अफ प्रिन्सीपल्स एंड फेस अफ सैंस ठीक अच्छे सपोज तुम्हें देख यूजफुल आर्ट आर्ट मैंने क्या कह तुम जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख प्रिजियम रे लाइट पड़े कि केमी से कौन हो स्कैटरिंग होला जब तुम्हें देखेब है भिपगियोर केमती बाहर जब तुम्हें देखेब तेल से तुम यूजफुल आर्ट बोली कह आदि मैंने अदर टाइप रे साइंस विषय में कौन आर्टिकल लिखा साइंस विषय में कौन पेंटिंग करवा साइंस विषय में कौन कविता लिखा कि साइंस कौन साइंटिस्ट स्कल्पचर बनवा एक जी तुम्हें कह तुम फाइन आर्ट बोली कह सो ये आम सरी जा आज क्लास वीडियोटी केमिति लगला मते कमेंट करूँ निश्चिंत भाव में वर्तमान पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब न करते मो चैनल को करदे आउ अदर वीडियो जो गुड़ाक अपलोड ताकु भी देखु था एग्जाम परस्पेक्टिव रु निहाती आवश्यक ये वीडियो गुड़ाक मानने साइंस रो प्रीवियस ईयर तीन वर्ष रो क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी अपलोड कर देती जो मैंने न देखी से देखने सो रही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड।